सो सो हेलो गेमर्स कैसे हो आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ रेड सिमुलेटर पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सॉसेज का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि भाई ऑफरिंग और भी मैंने बहुत सारे सॉसेज बना लिए हैं तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो भाई जरूर से देख लेना एंड यस yes, भाई यहाँ पर देख सकते हो अब इसको हम लोग सॉप पे लेके जाने वाले हैं मतलब कि बर्गर सॉप पे और ये नहीं निकला हुआ ना इसको जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ एंड इसको बर्गर शॉप पे लेके जाएंगे तो इसका प्राइस भी चेक करेंगे अगर आज इसका प्राइस अच्छा होगा तब तो इसको मैं बेचने वाला हूँ क्योंकि भाई मेरे को मल्टीप्लायर चाहिए भाई तब जाके मैं इसको बेचूंगा नॉर्मल ऐसा नहीं बेचने वाला भाई क्योंकि ज्यादा पैसे चाहिए भाई हम लोग को कि हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करें तो ऑफकोर्स हमको ज्यादा पैसे चाहिए ना भाई तो मैं जल्दी से इसको मेरे को कूलर पे भर लेना है ये खाली कूलर है या खाली कूलर है इसी में मैं भर लेता हूँ पता नहीं इतने में आएगा कि नहीं आएगा मे भी शायद आ जाना चाहिए एंड आप लोगों के को बहुत टाइम से ना बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मतलब हर वीडियो जब ब्रांड लिमिटेड की डालता हूँ ना तो हमेशा एक कमेंट तो जरूर आता है कि भाई आप जितने भी कार आना वो सब परचेज क्यों नहीं कर रहे हो भाई उस टाइम पैसे नहीं हुआ करते थे यार बट अभी तुम्हारे भाई के पास में पैसे है कि मतलब अपन कार खरीद सकते हैं तो मैं सोच रहा हूँ क्या जितने भी हम लोगों ने कार अभी तक से परचेस नहीं किया ना आज हम लोग वही करने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कूलर को मैं यहाँ पर लोड कर लेता हूं पूरे सॉसेज से एंड उसके बाद अपन बर्गर शॉप पे जाएंगे ठीक है तो मैं क्या करता हूँ जल्दी जल्दी से उठा लेता डायरेक्ट तुम लोगों को मैं बर्गर शॉप पे मिलता हूँ एंड उसी तरफ से हम लोग भाई जाने वाले है कार शॉप पे और भाई मस्त मस्त कार उठा के लेके आने वाले है भाई समझ रहे मतलब परचेस करके भाई ऐसे चोरी वोरी नहीं कर सकते समझ रहे हो ना परचेज करना पड़ेगा अपने को A few moments later. So यार यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने बर्गर शॉप दूसरे के बर्गर शॉप पे अपना नहीं है और हाँ और कूलर भर चुका था तो मैं कुछ नहीं कर सकता तो तो हूँ की जल्दी जल्दी से इसको पूरा यहाँ पर अनलोड कर देता हूँ एंड यार उसके बाद में तुम लोगों से मिलता हूँ बिकॉज इसको ये इसको ऐसे नीचे रखना है डायरेक्ट वहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ यार कितना गधेड़ा हूँ ना मैं बस ये तो मानना पड़ेगा यार सच में मैं गधेड़ा हूँ मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट इसके यहाँ पर ला देना भाई इसको। अब यार भाई इसको यार गेम पर क्या हो गई तेरा <laughs> भाई तो मैं बोलता हूँ इसलिए तो बुरा लगता है खुद के लिए भाई देखो ये चीज कर सकता हूँ ना मैं हद होती है डायरेक्ट इसके ऊपर रखो ना यार ऐसा करके तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से इसको सबको अनलोड कर लेता हूँ एंड उसके बाद में आप लोगों से मिलता हूँ ठीक है सो गेमर से अब यहाँ पर जितने भी पर्क सॉस है ना उसको मैंने अनलोड कर दिया देखो पूरा बक्सा खाली हो चुका है भाई तो इसको भी मैं ऊपर डालने वाला हूँ मैं अभी तक से ऑफर चेक नीचे हूँ ना कि यार इसमें आज ऑफर है कि नहीं है होप सो यार हो जाए मजा आ जाएगा आज हम लोग फिर तो भाई और भी अच्छे अच्छे हम लोग कार्स खरीद लेंगे जो महंगे महंगे से रहेंगे भाई और भी ज्यादा तो यस लेट्स गो मैं खोलू ना पक्का ना भाई मेरे को यार अच्छे से ऑफर दिखनी चाहिए मजा आ जाएंगे भाई फिर तो लेट्स गो और यहाँ पर कितने हैं यार ओ दो मिनट पर सॉस के प्राइस मल्टीप्लायर 1.4 है मैं बेच दू क्या यार 1.4 है यार हाँ ना यार गाइस रुको सबसे पहली बात ना यार एंड ये मैंने पहले चेक कर लू कितने आइटम्स और कितने रुपए में वो देखो टू नाइनटी आइटम्स है सिर्फ टू नाइनटी आइटम्स है और भाई वो चौबीस हजार तीन सौ साठ डॉलर में बिक रहे हैं यार मैं भेज देता हूँ यार कोई दिक्कत नहीं है वन पॉइंट फोर मल्टीप्लायर भी अच्छा है यार डील सही है अपने लिए सच्ची बता रहा हूं मैं सो लेट्स गो भाई मैं तो बेच रहा हूँ मेरे को तो भाई बेचना है ज्यादा ज्यादा पैसे मिल रहा है अच्छी बात है एंड और भी अगर हम लोग अगर इसका मल्टीप्लायर देखें क्योंकि यार मैं देखो पर्क सॉस का प्रोडक्शन जो है मैं बंद तो नहीं करने वाला हूँ तो भाई जितना सॉसेज और भी मैं प्रोडक्शन में ला सकता हूं उतना ज्यादा सॉसेज में बनाते जाऊंगा तो यस ऑफ कोर्स अभी और भी ज्यादा अगर मेरे को प्राइस मिलेंगे तो मैं बेच दूंगा लेकिन अभी डील थोड़ी अच्छी चल रही है वन पॉइंट फोर भाई बेच देता हूँ भाई लेट थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन रुपीज हम लोगों को मतलब डॉलर हम लोगों को मिल चुका है अब भाई जा रहा हूँ भाई मैं कोई दिक्कत नहीं है मैं जा रहा हूँ आराम से कारबार खरीदने मौज मस्ती करने भाई तो मैं जल्दी से जा रहा हूँ और मेरे ख्याल से रात भी हो रखी है मतलब शाम अभी हाँ यार मतलब दिन का ही वेट करना पड़ेगा तो मैं अभी रेंच पे चले जाता हूँ दिन होता है उसके बाद फिर अपन चलेंगे या कार वग़ैरह खरीदने भाई अभी तो मैं जल्दी से इन लोगों को लोड कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे को लेके जाना है यस भाई जल्दी जल्दी से सब लोड कर लेता हूँ एंड डायरेक्ट मैं आप लोगों से कल सुबह ही मिलता हूँ ठीक है रेंच पे One eternity लेट सो यस भाई इसी के साथ में सुबह हो चुकी है गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को लेट्स गो अभी मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ कि यार इसके अंदर पे यार वो पेट्रोल नहीं है भाई देख रहे हो पूरा ई पे आ रखा है मतलब पूरा खत्म भाई तो अभी मैं इसको लेके तो नहीं जा सकता हूँ एंड सबसे पहली बात मैं गायों के रात में दूध निकाला था तो अभी शायद मैं दूध निकाल पाऊंगा एक बार देख लेता हूँ भाई निकल जाएंगे तो अच्छी बात अभी निकल रहे हैं क्या बात है भाई और निकाल दो भाई कोई दिक्कत नहीं है मेरे को क्या है भाई दूध के प्रोडक्शंस और बढ़ाने और क्या है? देखो ये भर चुका है पूरा का पूरा ये खा लिया इसको डाल दो भाई एंड शायद ये भी भर चुका है पूरा इसको भी निकाल दो और या इसके अंदर इसमें डाल दो तो यस भाई और ये भी भर चुका नहीं है एक्चुअली पे ओके ठीक है अरे हाँ भाई निकाल रहा हूँ दूध निकाल रहा हूँ काय टेंशन ले रही हो तुम लोग अब भी निकाल रहा हूँ मैं सबके सबका ओके okay, भाई इसी के साथ में अपन सबका दूध जो वो निकाल लिए हैं अब लेकिन सबसे पहली बात ना यार पीक वाले इलाके में, में मेरे को जाना पड़ेगा और उनका खाना देखना पड़ेगा भाई क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते है ऑफकोर्स वो खाते हैं भाई और बच्चे पैदा कर रहे हैं और दबा के और क्या मेरे को उन लोगों को मरने बिल्कुल भी नहीं देना है मतलब कि अगर वो छोटे रहेंगे और मर जाएंगे तो भाई मैं सॉसेज नहीं बना पाऊंगा और भी ज्यादा समझ रहे ना तो यस भाई और इनका मीट भी मेरे को यार पर्क मीट भी अलग से बिकता है भाई कभी कभी तो टू इन टू मल्टीप्लायर देखा है मैंने सच बता रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा इनका भी पैसा मिलता है तो अपन ऐसा भी बेचने वाले हैं और यहाँ पे देखता हूँ और यहाँ पे तुम लोग देख सकते तो हो इतने नन्ने मुन्ने से जो छोटे से पिक थे ना वो थोड़े से बड़े हो गए देख लो भाई थोड़े से बड़े तो हो गए भाई गो एंड यहाँ पर खाना देखने दो और यहाँ पर भी अभी भाई देखो और भी छोटे छोटे बच्चे पैदा कर दिए इन्होंने भाई सही है यार बेटा सबको मारूंगा देखो बोला था ना मैंने खाना कमी होता रहता है भैया इसमें बहुत ज्यादा खाते हैं भाई एकदम से दबा के इन लोग तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जाने वाले हम लोग शॉप पे कौन से कार शॉप पे भाई कार खरीदना जो है हमको लेट्स गो एंड वो ट्रक लेके जाना पड़ेगा मेरे को क्योंकि यार ये वाले कार में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है और यहाँ पर इसका मैं कलर चेंज करूंगा मतलब प्योर एकदम से रेड चाहिए मेरे को क्योंकि यार ये हल्का सा इसका कलर उधड़ गया है भाई धूप में रखे रखे ना थोड़ा से समझ रहे हो ना इसका कलर थोड़ा से चेंज था पहले अभी चेंज हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये दिन भर धूप में खड़ा रहता है ना इसलिए देखो कैसा कलर हो चुका है <laughs> तो बस वही है तो जल्दी से मैं चले जाता हूँ कार शॉप पे ओके हम लोग वैसे कार शॉप पे तो आ चुके हैं लेकिन मेरे को ना इसका कलर जो है वो चेंज करना है भाई ले जल्दी से मेरे को कलर चेंज करना है गैराज पे जाके एंड फुल रेड चाहिए भाई मेरे को और ये भी थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं तो ये ठीक है पूरा को पूरा, पूरा ब्राइटनेस पूरा बढ़ा दू मैं ठीक है नहीं तो ये काला कलर में तो और भी बेकार लग रहा है ये इतना ठीक है इतना ठीक है भाई अपग्रेड कर लो भाई फिफ्टी डॉलर ही तो बस लगते हैं भाई अब कितना प्यारा लग रहा है ये मतलब जैसे पहले था ना हमारा कलर वैसा ही लग रहा है अरे भाई ऐसा ठोकना नहीं है भाई नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी और इसमें पेट्रोल तो है वैसे ज्यादा नहीं है बट पेट्रोल है इस पर अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई जल्दी जल्दी से मैं कार पहले रेट चेक कर लूँ मैं है ऐसा ही मैं पूरे पूरे कार खरीद ले क्या पैसे तो है भाई अपने पास में तो ये वाला कार ये तो मेरे पास में नहीं ये नहीं है ये एस बोलते हैं ना इसको ये नहीं है यार मेरे पास में जो मेरे पास में है ना वो तो खाली जीप है उसको मैं से सबल किया भाई वैसे मेरे को कार के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है ना साथ इसी वजह से और ये वाला कार तो यू टीवी घर में पड़ा है मतलब कि मेरे रेंज में पड़ा है तो इसको तो बिल्कुल नहीं लूंगा और ये तो मेरे पास में है पिक नहीं यार पिकअप ही तो लिया मैंने मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ मतलब मैं ठीक है मैं कंफ्यूज हूँ भाई मैं खतरनाक कन्फ्यूज रहता हूँ हमेशा और ये भी लेना यार ए टी वी भाई ये तो मेरे को लेना है बग्गी जैसा बढ़िया इसको अपन लेंगे ये कितने का पड़ेगा फाइव हंड्रेड का ले पाएंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है एंड ये क्या है ये तो पिकअप है ये भी पिकअप है वो भी पिकअप है तो मतलब ये छोटा पिकअप है क्या आई गेस इसलिए शायद एट हंड्रेड का मिल रहा है मेरे को ठीक है और ये कौन सा ये तो मेरे पास में है स्मॉल ट्रक अगर ये स्मॉल ट्रक है तो वो लार्ज ट्रक भी तो होना चाहिए ना फिर तो और ये क्या है सेडान इसमें क्या होता है इसमें कैपेसिटी नहीं है ये सिर्फ फैमिली कार है क्या मेरे ख्याल से हो तो सकता है फैमिली कार है और ये एस मेरे पास में है वो एस है क्या भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को याद ही नहीं आ रहा है एस यू भी पता नहीं यार और ये ट्रैक्टर तो अभी नहीं लेने वाला बिकॉज अभी तो फार्मिंग करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे अपन तो वो उसके काम आने वाला है और ये हार्वेस्टर भी है बस इतना ही है बस तो भाई ले पाएंगे भाई तो मैं क्या करता हूँ कि एस यू भी लेता हूँ सबसे पहले बात तो इसको अपन ने ले दिया एंड ये पार्किंग वाले एरिया पे आ जाएगा ऐसा इसने बोला है तो मैं एक बार जाके देखता हूँ बेटे अगर नहीं रहेगा ना यहीं आके ठोकाई कर दूंगा तेरा मैं समझ रहे ना तू और ये रहा हमारा एस भाई ओ माई गॉड रुको इसको मैं कस्टमाइज भाई ये सा क्यों लग रहा है जंग से भाई सेकेंड हैंड माल पकड़ा दिया क्या इसने मेरे मेरे को को यार ये ये तो बिल्कुल नई नहीं, नहीं लग रही है मेरे को। भाई गलत है बट ओ माई गॉड आवाज तो बहुत तगड़ी लग रही है यार इसकी और ये पावरफुल है क्या इसको रुको हम लोग अभी कस्टमाइज कर लेते हैं थोड़ा से यस भाई तो इसमें कस्टमाइज करने का कोई वो नहीं है इसमें सिर्फ मैं कलर कस्टमाइज कर सकता हूँ रीसेट करूंगा तो ना वैसा ही हो जाएगा तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको भी अपन रेड कलर कर ले क्या मेरे ख्याल से रेड कलर में अच्छा नहीं लग रहा है आई डोंट नो ये ये कलर अच्छा लग रहा है जो पहले था यही कलर तो था ये रुको सबसे पहली बात मैं देख लेता हूँ यार कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है वैसे रेड कलर ही अच्छा लग रहा है यार आप लोगों ने बोला था कि यार एक ही कलर में परचेज करना कार लेकिन अगर मैं ऑरेंज कलर में करूँ तो कैसा लगेगा भाई येलो कलर ये तो और भी बेकार लग रहा है यार सच्ची में बेकार लग रहा है यार बट मैं कुछ डिफरेंट कलर भी यूज करने वाला हूँ एक ही कलर सभी कार्स में ना मजा नहीं आएगा समझ रहे हो एकदम सही एंड अगर मैं ये ये वाला कलर कलर का का गड्डी तो तो प्योर ब्लू तो आई गेस अच्छा लगेगा लेट्स सी देखते एक बार तो ये कलर अच्छा लग रहा है एक्चुअली पे यस ये कलर अच्छा लग रहा है मैं ये कलर रखने वाला हूँ इसमें और यार ये तो बिल्कुल भी नया कार तो मेरे को नहीं लग रहा है देखो ना कितने धूल वूल से जमा हो रखे पता नहीं इन लोगों ने सेकेंड हैंड कार धरा दिया भाई मेरे को ये तो गलत कर दिया एंड अभी मैं क्या करने वाला हूँ सब कार को मेरे को घर पे लेके जाना पड़ेगा ना लेकिन उससे पहले यहाँ पर देता हूँ हम लोगों को को लो ने खरीद लिया बट अगर ये वाला सेडान ये भी खरीद लेते हैं ये भी खरीद लेते हैं एंड इसका भी मैं कस्टमाइज कर लेता कितने सारे कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें और भी हम लोग कस्टम्स वगैरह कर सकते हैं क्या तो देखते है वो चीज ठीक है एंड भाई ये तो पुराने जमाने की कार लग रही है यार ये टैक्सी वाली कार लग रही है ना तुम लोग कमेंट करके बताना भाई मूवीज वगैरह में अगर तुम लोगों ने पुराने ये आवाज़ से ही पता चल रहा है ये खताड़ा कार है <laughs> सच्ची बता रहा हूँ मैं देखो ना चल रहा है ओके okay, जल्दी से मैं इसको पहले अंदर लेके जाता हूँ एंड इसको अगर मैं

एंड ये तो मैंने खरीद लिया ये पिकअप ये मैंने अभी खरीदा है क्या मैं ये खरीदा खरीदाऊँ कि कौन सा खरीद भाई मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ खूब दबा के कन्फ्यूज हो रहा हूँ यार मैं ये शायद सेटन ये अभी मैंने खरीदा आ, मैं पिकअप ये पिकअप मैंने नहीं खरीदा आई गैस सही में नहीं खरीदा है देखते हैं पहले मैं लुक तो देख लूँ खरीद तो लिया वैसे मैंने इसको वैसे सेल भी कर सकता हूँ यार भाई गैराज में वहाँ पर मतलब कस्टमाइज के लिए जा रहा था ना तो सेल करने का भी ऑप्शन आ रहा था ये दूसरी कार है ये कार शायद मेरे पास में नहीं है बट देखे रहे तुम लोग सेकंड है नहीं दे रहा है भूतनी का भाई मेरे को बुरा लग रहा है यार मतलब सिर्फ हाँ ये दूसरी वाली पिकअप कार है तो भाई सब चीज रखो भाई आज अपन पूरे का पूरे कार खरीद डालेंगे भाई मतलब पूरा शॉप हमारा रहेगा <laughs> इतने सारे कार खरीदेंगे अपन इसके अंदर लेके चलो इसको एंड एक्चुअली पे मैं इसको कलर करने वाला हूँ मेरे ख्याल से वाइट तो नहीं करने वाला हूँ इसको अगर मैं ये वाला कलर है ये कलर कैसा लगेगा तो ये कलर अच्छा लग रहा है ये ये तो लाइट ग्रीन है ग्रीन स्क्रीन वाला कलर लग रहा है ये तो बट ठीक है अच्छी बात है अलग अलग रंग बिरंगे से कलर होने चाहिए भाई तो मज़ा आएगा तो यस भाई ये खरीद लिया कितने कार खरीद लिया एक दो तीन चार खरीद चार तो कार है और अपने रेंच में एक है मतलब पाँच कार हम लोगों ने टोटल खरीद लिया है यस भाई एंड अभी एक बग्गी भी है ना उसको भी अपन खरीदेंगे लस गो लैस गो लस गो मैं वो भी खरीदने वाला हूँ ये तो मैंने खरीदा ये भी खरीद लिया ये भी खरीद लिया ऐसी भी तो घर में है अगर मैं गलत नहीं तो यही मैं फुल कन्फ्यूज हूँ भाई सच्ची में फुल कन्फ्यूज हूँ मैं पगला जाता हूँ मैं <laughs> और ये मैं ये वाला घर पे है यार पिकअप ये बड़ा वाला पिकअप है ये घर पे है कधेड़ा है भाई गेम बॉय वर्तू तो। भूल जाता है ना और ये वाली कार बस अब मेरे पास में नहीं है तो अभी टोटल कितने कार्स है वो देखने तो समझ में आ जाएगा देखो एक कार है मतलब ये यूटीवी है एक है दो है तीन है चार है पांच है और ये छह है सात है तो सात मेरे पास में कार नहीं आएगी इस मेरे पास मेरे को अभी अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं इसको भी मैं खरीद लेता हूँ पहले तो टोटल मेरे पास में सात होनी चाहिए ठीक है ट्रैक्टर वगैरह को छोड़ के भाई तो देखते हैं अभी गिनते हैं भाई मेरे को अभी गिनती मेरे को गिननी पड़ेंगे ओके यहाँ पर एक दो तीन चार और ये पाँच है और घर में एक है वो छह सात हो तो गया यार क्योंकि घर में दो है एक्चुअली में यूवी यूवीटी यूएटी जो भी था यार वो भी है भाई मतलब पूरे को पूरे हम लोगों ने कार जो है कारचेस कर लिया ट्रक हो गया कार हो गया, बग्गी हो गया गया बग्गी दुनिया दुनिया भर भर की चीजें भाई मतलब की कार्स और मेरे को सबसे अच्छा तो ये लग रहा है भाई इसकी स्पीड है दोस्त यार ये बग्गी तो बड़ा प्यारा लग रहा है भाई भाई लेकिन संभल नहीं रहा है भाई ये तो स्लाइड हो रहा है ऐसा लग रहा है कि बर्फ में चला रहा हूँ और ये लोग का यार ये वाली कार नहीं मिल सकती क्या यार ये वाली कार भाई इतनी प्यारी हो सकता है कि फ्यूचर में अपडेट्स आए ना तो ऐसे कार मतलब कि अपडेट में आए हो सकता है बट ये कार सच में बहुत प्यारी लग रही है यार ऐसे कार मिलनी चाहिए ना भाई बट अपने को नहीं मिलेगी मेरे को पता है भाई और सबसे पहली बात ना इसको अपन कस्टमाइज करके क्या इसको भी ऑफकोर्स हम लोग ये कस्टमाइज कर सकते हैं मेरे को ना ये आसमान कलर वाला कलर रखना है भाई मेरे को सच्ची बता रहा हूँ मतलब कि ये ये कलर अच्छा लग रहा है यार ये इसमें मैं ये कलर रखने वाला हूँ ये हुई ना बात लेट्स गो तुम लोग पता ना ये कलर कैसा लग रहा है ऑनेस्टली सच में ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यार पूरे के पूरे कार को अपने घर ओ भाई स्पीड है यार देख लो तो भाई भाई, भाई, भाई पेड़ से पेड़ से ना टकरा ना अभी तो खरीदाऊ मैं खराब हो जाएगा नहीं तो अब मेरे को ना इन, इन सब के लिए ना मेरे को पेट्रोल भी खरीदनी पड़ेगी ना ऑफकोर्स यार यार पेट्रोल टंकी हम लोग खरीद लेके क्या क्या पेट्रोल टंकी खरीदेंगे तो हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है क्योंकि बार बार ना मेरे को ना आ, वो डब्बा लेके मेरे को वो जाना पड़ता है भाई पेट्रोल भराने के लिए ये देख रहे हो भाई स्पीड तो है लेकिन इसमें वो नहीं है दो मिनट रुको मैं ट्रॉली को खींच सकता हूँ क्या मैं इस बग्गी से हाँ यार क्योंकि अटैच करने का दिया हुआ है देखो ना भाई तो अटैच कर सकता हूँ आई गैस में ओ भाई साहब ये हुई ना बात वो अटैच कर सकता हूँ अटैच कर सकता हूँ मैं और इसको खींच भी सकता हूँ और अरे भाई मतलब अब कहीं भी जाना रहेगा तो कार वगैरह से मैं वो नहीं करने वाला हूँ ना जल्दी से जल्दी एंड उसके बाद में तुम लोगों से मिलता हूँ भाई ठीक है hours late. So, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यार पूरा का पूरा कार को हम लोगों ने अपने रेंच के अंदर ला दिया और यार ये बग्गी सबसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि कहीं भी अब जाना रहेगा ना तो मेरे को ये बड़े बड़े कार लेके कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा अब जैसे कि मेरे को जाना है पिग के पास में तो भाई ये बग्गी से हम लोग इजिली यहाँ से वहां जा सकते हैं पैदल वैदल जाने की जरूरत नहीं है भाई समझ रहे हो ना इनका खाना मेरे को देखना है क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा भूखड़ है ना भाई तो अभी मैं खाना देख लेता हूँ इनका मैं और लैक कर गया मेरा गेम बहुत गंदे तरीके से एक्चुअली पे ये देखो भाई कितना खा रहे हैं और ये बाहर कैसे निकल गया भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तू बाहर कैसे निकला रे हैं है देखो काम धंधा नहीं है क्या घर में जाना अपने तू और इनको मारना है भाई अब अब वापस से मैं ऑफलाइन ना क्या करने वाला हूँ को मार मार के सॉसेज बनाने वाले भाई एंड या yeah, सॉसेज मैं बनाने वाला हूँ के एंड जब और भी मल्टीप्लेयर हो जाएगा ना जैसे कि हो सकता है फोर मल्टीप्लेयर था तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि टू का मल्टीप्लेयर मिले अपने को सॉसेज का तब मैं उसको बेचने वाला हूँ तब तक से हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्शन धीरे धीरे स्टार्ट रखे रहते हैं और जिस दिन मल्टीप्लेयर मिल जाएगा ज्यादा तो अपन बेच देंगे भाई उस दिन कतई माला माल फिर से अपन है ना तो अभी मैं इसको उसके अंदर पे डालने वाला हूँ भाई तू अंदर आ जाए यार अरे कोई दरवाजा खोलूंगा ना तो सबके सब झपट्टा सब मारेंगे अरे भाई तुम लोग को काम धंधा नहीं है क्या जाओ ना भाई तुम लोग खाओ पियो ऐस करो हद होती है यार और ये से देखो इसको पता है कि मैं दरवाजा खोलने वाला हूँ आके टेक गया दिया भाई दरवाजे के पास में क्या गोली मारूंगा तो ही समझ में आएगा क्या सारे को भाई ये नहीं आने वाला मतलब कि नहीं जाने वाला ये ए, बंद कर तेरी भैंस की जाने नहीं दूंगा बिट्टे मैं तेरे को तेरे को क्या लगता है चल तेरी भैंस की बाहर ऐसे कैसे जाने दे दूंगा मैं और हाँ देखो आ, पिक्स के कारण देखो लैग कर रहा है गेम पिक्स के कारण लैग कर रहा है तो यही वजह है कि पिक्स वाला जो एरिया है ना मतलब कि बांध वाला एरिया मैं इतने दूर पे बनाया हूँ क्योंकि तो यार अगर मैं उस तरफ बनाता ना ये अपने फैक्ट्री के तरफ में तो बहुत ज्यादा लैग करता और तुम लोग देख सकते हो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखो तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखलाता हूँ मैं यहाँ पर मेरे कार्स को भाई ये देख लो भाई अपन ने लिया और ये इसमें से ये एस है और शायद ये भी एस है अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ कर देना ये बड़ा वाला कार है और ये छोटा वाला कार है और ये पिकअप है नहीं ये पिकअप है क्या यार ये भी तो पिकअप ही है ना मेरे ख्याल से इसको भी तो पिकअप बोलते हैं आई नो <laughs> तुम लोग समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ नहीं ये है सू बल्कि बल बट हम लोगों ने फाइनली पूरा का पूरा कार जो है वो खरीद लिया है तुम लोगों की सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो यही थी भाई कि कार कब खरीद रहे हो कार खरीदो कार खरीदो तो ले भाई आज हम लोगों ने फाइनली कार खरीद लिया है और भाई वैसे अच्छा लग रहा है यार ये कार्स तुम देखने के बाद में अंदर से फील आ रही है अपून रिच हो गया भाई मतलब और भी रिच होना है बट फील आ रहा है ना भाई अपन बड़े आदमी बन गया भाई, ये मजा आ गया ना यस भाई और आज हम लोग ने सॉसेज भी बेच दिया और भी डबल मजा तो इन कार को मैं ऐसा ही धूप में नहीं रखने वाला हूँ क्योंकि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती खराब वराब हो जाएंगी तो फिर और भी लेने के देने पड़ जाएंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि गैराज बनाएंगे तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इन सब कार्स के लिए मेरे को गैराज बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए ठीक है तो फिर अपन बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है सो so, यस yes, भाई आज का वीडियो तुम लोग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना आई नो आज की वीडियो शायद बहुत ज्यादा छोटी हो गई है माफ करना यार बट अभी ऑफलाइन बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग करनी है एंड वही है की सोसेज बनाते हुए तुमको और भी दिखलाना नहीं चाहता क्योंकि यार देखो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी एंड सॉसेज बनाते हुए तुम लोगों ने मेरे को पहले देख रखा है तो वही वही चीजें बार बार मैं नहीं दिखलाना चाहता हूँ मजा नहीं आएगा ना तो बस यार इसी वजह से आज का एपिसोड हम लोग यही तक रखने वाले तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आज का एपिसोड तुम लोग कैसा लगा और चैनल पे नए हो मेरा गेम प्ले अच्छा लग रहा है लाइक तो तो कर देना प्ले लिस्ट चेकआउट करो क्योंकि ये जो है वो थर्टी एट पार्ट है तो और भी बहुत सारे पार्ट मैंने और भी बहुत सारे अच्छी चीजें की हुई है तो वो जरूर से देखना एंड उनमें से सबसे अच्छा पार्ट अच्छा एपिसोड कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड इसके